प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि सिंचाई के साधन क्या क्या हों। ये कक्षा आठवीं की पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर है। सिंचाई के साधन परंपरागत साधनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। परंपरागत तरीके से कुएं से, चढ़े से पानी निकालना, ढेकले से निकालना, रेहट से निकालना, ये विधियां आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आज वैज्ञानिक युग है और इस वैज्ञानिक युग में सिंचाई के साधनों के जो तरीके हैं वो भी बदल चुके हैं। तो आज हम सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में जानकारी करेंगे और इन आधुनिक विधियों में विशेष तौर से दो प्रकार की विधियां प्रचलित हैं। पहली विधि है छिड़काव। अपने क्षेत्र में आप उन खेतों में गए होंगे कभी जहां कुएं हैं, नलकूप है, जल का लाइट का कनेक्शन है और जल के द्वारा वहां सिंचाई की जा रही है। आपने देखा होगा कि वहां कुछ गोल गोल घूम रहा है और पानी को छिड़क रहा है, वही छिड़काव तंत्र है। प्रिय विद्यार्थियों, इस छिड़काव तंत्र में ये कुआं होता है, कुएं में मोटर लगी है, मोटर कुएं के अंदर होती है, पाइप से पानी बाहर आता है और ये पाइपलाइन आगे खेतों में चली जाती है। इस पाइपलाइन में आगे जहां सिंचाई करनी होती है वहां इस पाइप के कट पर खड़े पाइप होते हैं और इन खड़े पाइपों पर यहां एक नोजल लगा होता है। पानी का प्रेशर आता है, प्रेशर इस पाइप से होते हुए यहां ऊपर की तरफ नोजल में जाता है और नोजल गोल गोल घूम घूम करके पेड़ों पर यानी उस फसल पर इस प्रकार पानी को गिराता है जैसे कोई बरसात हो रही हो। यह बड़ा ही अच्छा तरीका है और विशेष तौर से इस विधि का उपयोग उबड़ खाबड़ जमीन के लिए भी किया जा सकता है। आपने पिछली जो विधियां पढ़ी थी वहां सिंचाई के लिए समतलीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन इस छिड़काव तंत्र में समतलीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऊंचे ऊंचे धोरों पर भी इस तंत्र के माध्यम से पानी पहुंचाया जा सकता है और सिंचाई की जा सकती है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप, अब ड्रिप नाम से आप जानते होंगे, जिसको टप 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 नाम से भी कहा जा सकता है, बूंद बूंद सिंचाई योजना भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए क्या किया जाता है, या तो कोई ऊंची टंकी होती है जिसमें पानी भरा होता हो, या फिर कुएं से मोटर के द्वारा भेजा जाता हो। यहां से पाइप पेड़ों की जड़ों तक जाता है और हर पेड़ की जड़ के पास इस पाइप में महीन महीन छिद्र कर दिए जाते हैं। जब पानी इस पाइप से होकर गुजरता है तो इन छिद्रों के माध्यम से पानी पाइप से बाहर निकलकर पेड़ों की जड़ों में चला जाता है। अक्सर इस विधि का उपयोग फलदार जो पौधे होते हैं या पेड़ों की सिंचाई का कहा जा सकता है, बाग बगीचे में पेड़ लगे होते हैं या फलदार पौधे लगे होते हैं, वहां अधिकतर इस सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ये बड़ी आधुनिक विधि है, इसमें पानी का दुरुपयोग एकदम से नहीं होता, कम से कम पानी से पेड़ों की सिंचाई की जा सकती है क्योंकि पानी सीधा पेड़ की जड़ तक जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सिंचाई के बाद हम कृषि में खरपतवार के बारे में पढ़ेंगे। खरपतवार की बात करें उससे पहले हमें यह सोचना होगा ये खरपतवार क्या है। आप सभी ने अपने अपने खेतों में देखा होगा, हम कोई बीज बोते हैं, कोई बाजरी बोते हैं, गेहूं बोते हैं, मोठ बोते हैं, लेकिन उसके उगने के साथ ही अन्य अनावश्यक घास उसके साथ उग जाता है। और आप अपने घर वालों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि चलो निनान करते हैं, वो निनान किस चीज का किया जा रहा है, उसका शुद्ध नाम है निराई। ये निराई क्या है, हमारी जो फसल है जो हमने बोई थी उस बोई हुई फसल के साथ अनावश्यक कुछ घास उग जाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, उसको खरपतवार कहा जाता है और उस खरपतवार को हटाने की विधि को कहा जाता है निराई। आप जानते होंगे निराई के लिए हम क्या करते हैं, निराई के भी कई तरीके हो सकते हैं। जो खरपतवार अनावश्यक उग आई है उसको हम हाथ से उखाड़ सकते हैं, ये निराई ही कहलाएगी। उसको हम कस्सी से भी निकालते हैं, कसिया कहते हैं अपने यहाँ लोकल भाषा में, उसको उस कसिया से काट काट कर भी खत्म किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसको खत्म करते क्यों है, हमें क्या दिक्कत थी इससे, ये हमें समझना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारी फसल के साथ
अनावश्यक दूसरा घास उग जाता है तो हमारी जमीन के अंदर जो पानी था उस पानी की मात्रा को भी वो सोख लेता है, तो फसल को जितना पानी मिलना चाहिए था उतना पानी नहीं मिल पाता और उसका परिणाम यह होता है कि फसल जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती। इसलिए अनावश्यक खरपतवार को हमें नष्ट करना पड़ता है, एक कारण। दूसरा कारण, यह केवल फसल बढ़ने में ही दिक्कत नहीं करता, जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है उस फसल को काटने में भी दिक्कत करता है, बाधा पहुंचाता है। आप अपने खेतों में कटाई जब करेंगे उस कटाई के समय एक कंटीला घास होगा अनावश्यक, वो आपको सही तरीके से उसकी कटाई नहीं करने देगा, इसलिए भी समय रहते उसको हटाना जरूरी है। और तीसरा कारण, उनमें कुछ विषैले घास भी होते हैं, यदि हमने उसको सही ढंग से नहीं काटा वो विषैला घास आपके उपयोगी फसल के साथ मिलकर आपके पशुओं को और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो खरपतवार की निराई होना आवश्यक है, लेकिन उसकी शर्त है कब यह खरपतवार पुष्पित ना हो, उसमें फल और बीज आए उससे पहले ही उसको अलग कर देना आवश्यक है। यदि फल और बीज उसमें आ गए और प्रफुल्लित हो गया, बीज उसके पक गए और वो बीज आपके खेत में फिर वहीं गिर गए, तो अगली बार जब आप फसल बोएंगे तो और ज्यादा खरपतवार वहां खड़ी हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उस खरपतवार में पुष्पण और बीज रोपण होने से पहले पहले, यानी बीज पैदा होने से पहले पहले हम उसको उखाड़ फेंकें या उसको काट सकें। प्रिय विद्यार्थियों, काटने और उखाड़ने के अलावा भी इसका एक तरीका है, जो आज के हिसाब से रासायनिक जो दवाइयां आ रही हैं, रासायनिक दवाइयों के उन रसायनों के माध्यम से भी हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। वो कैसे, उस रसायन को, जो कि उस रसायन का नाम होता है 2,4-D, उस 2,4-D को हम हमारे फसल पर यानी उस खरपतवार पर छिड़काव करते हैं और वो इस प्रकार का रसायन होता है कि हमारी फसल को उससे कोई नुकसान नहीं होता और खरपतवार उससे नष्ट हो जाती है। फव्वारे के माध्यम से उसका ऊपर छिड़काव करते हैं और ये फव्वारे के माध्यम से छिड़काव भी हमें उसमें पुष्पण और बीज पैदा होने से पहले ही कर देना चाहिए। यदि हम इसमें देरी कर रहे हैं तो संभव है कि वो बीज हमारी जमीन में अगले साल फिर तैयार हो जाएं और हमें नुकसान पहुंचाएं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी व्यक्ति, जो किसान उस रसायन का छिड़काव कर रहा है, उसको हमेशा अपना मुंह और नाक बंद रखना चाहिए, क्योंकि वो एक जहर है और वो जहर छिड़काव करने वाले को भी नुकसान कर सकता है। इसलिए रसायन का छिड़काव करते समय हमेशा अपने नाक और मुंह को बंद रखेंगे। अगले एपिसोड में हम फसल की कटाई के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।